सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सर्दियों की खास लड्डू तिल के मैं बनाना बता रही हूं। इसमें जो है बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स ये तिल है, ये गुड़ है। इसको हमको सेम क्वांटिटी में लेना, आप जितना भी ले रहे हैं, 250 ग्राम तिल ले रहे हैं तो 250 ग्राम गुड़ भी लेंगे तो आप सेम क्वांटिटी में ले लेंगे। और ये घी है और ये थोड़ा सा मैंने पानी लिया है। तो ये अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसको भूनेंगे तिल को। तिल के लड्डू जो है सर्दियों के मौसम में जो फेस्टिवल होते हैं, मकर संक्रांति होती है और संकट होता है और लोहड़ी होती है, उसमें जो है ये तिल के लड्डू खाए जाते हैं। ये जाड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो हमको ये सर्दियों में ये तिल के लड्डू बना के जरूर खाने चाहिए। अब हम इसको जो है जस्ट फूलने तक, जब तिल जो है चिटकने लगेंगे तब तक हम इनको भूनेंगे। तिल को भूनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4-5 मिनट में ही भून जाता है तेज आंच पे। इसको हम भून लेंगे। ये देखिए अब चिटकने लगे हैं, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अलग निकाल लेंगे। तिल मैंने निकाल लिया है, ये देखिए फूल के भुन गए हैं। अब हम कढ़ाई फिर से गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें गुड़ डाल के गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को कम रखेंगे। घी जो है मैंने गुड़ को मेल्ट करने के लिए डाला है। आप घी की जगह पे थोड़ा 2 चम्मच करीब पानी भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। गुड़ को ऐसे फोड़ते जाएंगे और इसको मेल्ट करते जाएंगे और इसको थोड़ा सा पकाते रहेंगे तो इसमें से थोड़ा सा झाग बनेगा। गुड़ को हम ऐसे चलाते रहेंगे कि जले ना, नहीं तो अगर हम चलाएंगे नहीं तो जल जाएगा नीचे। इसको हमको ऐसे लगातार चलाते रहना। ये देखिए अब इसमें फेन बन गया है थोड़ा सा। तो अब हम इसको चाशनी को चेक कर लेंगे कि ये कैसी बनी है। तो हम एक कटोरी में पानी लेंगे और इसमें फ्लेम को पहले स्लो कर देंगे और इसमें चाशनी को ऐसे डाल के देखेंगे। तो अभी ये देखिए ये खींच रही है, तो ये अभी चाशनी बनके तैयार नहीं हुई। जब एकदम से हम ऐसे तोड़ेंगे टूटने की आवाज आएगी तब ये चाशनी हमारी बनके तैयार होगी। तो ये देखिए मैंने फिर से डाल के देखा चाशनी को, अब ये देखिए टूट रही है, ये टूटने की आवाज आ रही। ये इस तरह की जब चाशनी बन जाएगी तो चाशनी तैयार है। अब हम इसमें तुरंत तिल डाल के मिक्स कर देंगे। और गैस को बंद कर देंगे। इसको जल्दी से मिला के इसको हम गैस से उतार के और अच्छे से मिला के और फिर इसके लड्डू बना लेंगे। थोड़ा सा जब सहन करने वाला हो जाएगा हाथ में, जब ज्यादा गर्म नहीं लगेगा। और हमको इसको बहुत एकदम ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये सेट हो जाएगा तो इसके लड्डू भी नहीं बन पाएंगे फिर। अब हाथ में हम पानी या घी लगा के इसको ऐसे छुड़ा लेंगे ये कलछुल से और फिर इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसको ऐसे दबा के ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे घी लगा के हाथ में इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे और फिर उसको ऐसे ऐसे प्रेस कर देंगे। और इसको हमको जल्दी जल्दी बनाना है, एकदम ठंडा नहीं करना है। नीचे से अगर जब चिपकने लगता है तो हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ऐसे गैस पे, तो ये छूट जाएगा और इसको हम छुड़ा के फिर से लड्डू बना लेंगे।
आप इसे ठंडा करके कंटेनर में भर के रखिए और महीनों भर तक इसका आनंद उठाइए। ये देखिए लड्डू बनकर तैयार हैं, आप भी इस तरह बनाइए। अगर ये जैसे आप व्रत में सोडा खाते हो तो आप चाशनी में थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डाल सकते हैं, तो इसका कलर और भी अच्छा वाइट आता है। तो आप इस तरह बनाइए, खाइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।